बड़ी खबर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आ रही। यूपी में 13,255 कंपनियां निवेश करेंगी। कंपनियों के साथ 20.96 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। 15 देशों से यूपी में आएंगे निवेशक। 1,81,00,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अच्छी खबर आई है। यूपी में 13,255 कंपनियां निवेश करेंगी। कंपनियों के साथ 20.96 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। समिट से पहले यूपी में बंपर निवेश आ रहा है। 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चलेगा। पीएम मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे और समिट में 13,255 कंपनियां शामिल होंगी। इसके साथ ही साथ समिट में 17.12 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य है। समिट से पहले 20.96 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। तो 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अभी तक के जो एमओयू साइन हुए उसके मुताबिक 13,000 से ज़्यादा कंपनियां निवेश करने जा रही हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में। तो 20.96 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और यूपी में 13,255 कंपनियां निवेश के लिए इच्छुक हैं। एमओयू साइन हुआ है लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितना निवेश और कितने वक्त में ये यूपी में उतर पाता है। लेकिन फिलहाल संकेत अच्छे हैं और अच्छे इसलिए क्योंकि जब 13,255 कंपनियां या उससे ज़्यादा या कम कंपनियां निवेश करेंगी तो रोज़गार के बड़े अवसर बनेंगे उत्तर प्रदेश में। रोज़गार भी मिलेगा और इसके साथ ही साथ जब यहां पर उत्पादन होगा किसी चीज़ का या किसी भी सेवा क्षेत्र में विस्तार होगा तो उसका फायदा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर से मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे में G20 की बैठक में तैयारियों और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक करने के साथ ही स्थलीय निरीक्षण का भी कार्यक्रम उनका। मुख्यमंत्री टेंट सिटी भी जा सकते हैं। सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे और कल सीएम योगी रविदास मंदिर भी जाएंगे। तो G20 की बैठक के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 दिवसीय काशी दौरा है और G20 की बैठक के मद्देनजर समीक्षा बैठक होगी, विकास कार्यों की समीक्षा होगी और बैठक के साथ इसलिए निरीक्षण भी सीएम कर सकते हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सीएम योगी का काशी प्लान है क्या। आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। G20 को लेकर बैठक करेंगे और G20 के लिए तैयारियों की समीक्षा करेंगे। विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री और काशी में चल रहे प्रोजेक्ट्स का अपडेट लेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। सीएम योगी टेंट सिटी भी जा सकते हैं और 5 फरवरी को रविदास मंदिर में मत्था टेकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रसाद लंगर में भी वो शामिल हो सकते हैं। तो सीएम योगी का पूरा काशी प्लान हमने आपको बताया लेकिन जो प्रमुख एजेंडा है वो G20 की बैठक ही है जिसकी समीक्षा बैठक होगी। विकास कार्यों का ये समीक्षा भी करेंगे और कई स्थलीय निरीक्षण भी वो कर सकते हैं। ABP गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।